चिखलदरा तहसील के गांव काटकुम में कथास्थल श्री राम मंदिर श्री शिव महापुराण कथावाचक परम पूज्य गुरु साहब जी शर्मा महाराज उज्जैन ने प्रवचनों से लोगों को निहाल किया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के लिए भी गणपति महाराज प्रथम पूजनीय थे। भगवान ने स्वयं यह वरदान उन्हें दिया था तथा वे एक बार इस बात की अवहेलना कर विपत्ति का शिकार हुए। सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही गणेश पूजन किया था और 40 साल से चली आ रही है कोरोना काल में 2 साल शिव महापुराण कथा बंद रही। कभी राम कथा तो कभी शिव पुराण या भागवत कथा आयोजन किया जाता है और आसपास के 10-12 गांव के श्रद्धालु बड़े ध्यान से सुनते हैं। परम पूज्य गुरु साहब जी शर्मा महाराज ने एक रोचक प्रसंग सुनाया कि जब भगवान शंकर द्वारा गणेश जी का शीश काटा गया तो काफी बवाल मचने के बाद माता पार्वती को शंकर ने वचन लिया कि सबसे पहले हमारे पुत्र गणपति की पूजा होगी, तभी इसका लाभ सर्वजन को मिलेगा। भगवान शंकर जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैलाशपति के रथ का पहिया तक टूट गया और वह घायल भी हो गए थे। ऐसे में कैलाश पर्वत पर वापस आकर माता पार्वती को भगवान शंकर ने सारा वृत्तांत सुनाया। माता पार्वती ने कहा कि आप बिना गणपति पूजन के युद्ध में गए थे, इसलिए आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ा, इसलिए अपने वचन का पालन करें। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर बड़ी धूमधाम से गणपति पूजन उत्सव किया और तत्पश्चात त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की। भगवान शिव ने कहा कि जो भी कोई भी कार्य करने से पूर्व गणपति महाराज का पूजन करेगा उसे यश वैभव कीर्ति धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। मारुति पाटनकर, विदर्भ न्यूज, चिखलदरा।